सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और सारे मतलब प्लेलिस्ट सब्सक्राइब कर लिए आपने, तो मैं प्लीज आपका स्वागत करता हूँ। तो प्लेलिस्ट में आपने पाइथन के बारे में काफी कुछ सीख लिया होगा, बेसिक्स तो आपके यहाँ क्लियर हो रहे होंगे। तो आज एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो मीन्स मैं बुलियन बताऊंगा, बुलियन क्या होते हैं। तो बुलियन, अगर आपने थोड़ी सी बुलियन अलजेब्रा पढ़ी होगी, उसमें ट्रू और फॉल्स दो चीजें होती हैं कि ट्रू और फॉल्स देते हैं डेटा। तो ये इसमें काम कैसे करता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे का है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करके चलना चाहता हूँ कि एक बुलियन भी चीज होती है जो कि मैं आगे यूज करूंगा। तो बुलियन हम करते क्या है, इससे कि अगर मेरे पास दो कोई कंडीशन है कि ए इज इक्वल टू बी, अगर या ए छोटा है बी से, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम ले सकते हैं। तो जस्ट हम एक एज ए एग्जाम्पल देखते हैं कि बुलियन शो कैसे होता है। अगर मैं देखता हूँ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा है 15, तो अगर मैं लिखूं बुल एक्स तो क्या आएगा, ट्रू। और वाई इस पर ट्रू लिखता हूं मैं, कुछ भी नहीं, तो बुल वाई क्या आना चाहिए, मींस कि इसमें बुलियन बता रहा है। अगर मेरे सिंपल सा ऑपरेशन है, मैं एक्स में मैंने एक डेटा डाला, मैंने कि एक 15 डाल दिया, तो वी बता रहा है कि एक्स में कुछ है मेरे पास डेटा है, लेकिन वाई में क्या है, कुछ नहीं मेरे पास, मींस फॉल्स बता रहा है। मैं इस तरह के सिंपल एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ बुलियंस में, ट्रू और फॉल्स, क्यों तो ही कंडीशंस हैं। तो सिंपल सा बुलियन का एक कॉन्सेप्ट था कि आप बुलियंस बच जाओ कि ट्रू और फॉल्स बुलियंस हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें कंडीशन में लगाते हैं, देखिए मैं लगाता हूँ अगर ए इक्वल टू 15, जस्ट एग्जाम्पल, ज्यादा अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आगे पढ़ेंगे बस, लेकिन आज जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्मॉलर देन, मैं लिखता हूँ ए स्मॉलर देन बी, ट्रू कैपिटल, लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ उल्टा, तो अब आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ये इस चीज को ये ट्रू और फॉल्स में डिफाइन करता है। मींस मैं बुलियन में एक मैंने लिखा कि ए इक्वल टू 15 था, बी इक्वल टू 10 था, तो मैं क्या इसको स्क्वायर टू भी सेट कर। अब हाँ, इसमें एक और चीज है, अगर मैं स्क्वायर टू लिखता हूँ बी, तो मुझे लगता है एरर आएगा, एरर कुछ भी नहीं आया। अब मैं डबल स्क्वायर टू लिखता हूँ, सॉरी अभी तो बराबर हो चुका है, अभी तो ए स्क्वायर टू बी है और बी स्क्वायर टू बी है। तो बुलियंस के लिए मुझे क्या करना था, बी स्क्वायर टू में सेट कर देता हूँ पहले, क्या लिया इसने, क्या किया मैंने ए स्क्वायर टू लिखा, तो इसने इसके बराबर इसको सेट कर दिया। तो मुझे कंपेयर कैसे करना होगा बुलियंस में, मैं लिखूंगा ए डबल इक्वल टू, चेक करना मुझे बी क्या बराबर है फॉल्स, मींस ए की वैल्यू थी हमारे पास 10 और बी की वैल्यू थी हमारे पास 20। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल बुलियन का फंडा कि आप बुलियंस में चीजें कंपेयर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और हाँ, इसमें सबसे खास बात ये कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं डबल इक्वल टू लिखने में, अगर डबल इक्वल टू लिखता हूँ कंपेयर कर रहा हूँ, 1 इक्वल टू लिखता हूँ तो मैं इसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ कि 20 है या 30 है। तो ये सिंपल सी वीडियो थी, एक मैं हर एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि अगर आप कहीं भूल जाते रिवाइज करना है तो आप मेरी वीडियो से रिवाइज कर पाए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है बुलियन का फंडा सिंपल छोटा सा था, तो समझ चुके हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक मेरे इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल करो, लेकिन प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो आप, और इसको आप फॉलो करते रहो, आपके फ्यूचर में वर्क आएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।